हेलो दोस्तो, दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एम डी एम एस कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में दोस्तों जैसे कि हमें पता है मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट टू टेक एडमिशन ओनली इन क्लिनिकल ब्रांच वेरी फ्यू स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज सो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस और यू कैन से हिडन करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन एम डी एम एस तो दोस्तों अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल से जुड़ें यहाँ पे आपको इसी टाइप के बहुत सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं सो so, दोस्तों पहले बात करते हैं नीट पी रैंक जहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एम डी में एडमिशन मिल जाता है तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इस ब्रांच में एडमिशन सिक्योर करना बहुत ही आसान होता है ये 2023 ट्वेंटी नीट पी जी के मैं रैंक आपको दिखा रहा हूँ और थर्ड राउंड कट ऑफ में किस रैंक पे किस लास्ट रैंक पे एम डी एम एस एनाटमी में एडमिशन हुआ था वो आप देख रहे हैं जनरल कैटेगरी में वन लैख सिक्सटी वन थाउजेंड प्लस रैंक था जिस पे लास्ट सीट अलॉट हुआ था एम डी एम एस एनाटमी में इन नीट पी जी ओके इन केस ऑफ ओ

इन सब कट ऑफ को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि एम डी एम में एडमिशन मिलना क्लिनिकल ब्रांचेज की तुलना में बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये सब मैंने आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज़ का कट ऑफ बताया है प्राइवेट में तो कट ऑफ और भी हाई गया है तो दोस्तों अब आते हैं मेन पॉइंट पे सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कोप होता है एम डी एम का दैट इज़ यू कैन बी फैकल्टी इन वेरियस मेडिकल कॉलेजेस दोस्तों जैसे कि हमें पता है गवर्नमेंट का टारगेट है मेडिकल कॉलेजेज में सीट को इंक्रीज करने का इसलिए नए नए मेडिकल कॉलेज ओपन होने वाले हैं आने वाले टाइम में और एम डी एम एस अनाटमी के लिए एक ह्यूज स्कोप है एज ए फैकल्टी मेम्बर इन वरियस रेपूटेड मेडिकल कॉलेज इन गवर्नमेंट फील्ड और इन प्राइवेट फील्ड नेक्स्ट ऑप्शन इज रिसर्च साइंटिस्ट इन अकैडमिक्स और क्लिनिकल लेबोरेटरीज नेक्स्ट इज यू कैन बी पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट team of a pharmaceutical laboratory or you can say pharmaceutical companies and you can be consultant in insurance companies to solve medico legal cases or to solve insurance claim next you can have your own clinical setup means you can do your own clinical practice after all you are also a registered medical practitioner next you can be forensic scientist in government labs and can work with our investigating agencies like cbi ed cid etc this is very reputed job for mdms anatomy means you can be a forensic expert then you can have opportunity in infertility clinics where you can use your anatomical skill to increase chance of in vivo fertilization to increase success rate of in vivo fertilization and you can also be a tutor in various coaching institute which provide coaching for NEET PG or NEET super specialty exam and other related examinations and next you can be a content creator for various medical colleges as well as for medical student means you can write books on anatomy which will be useful for medical and dental student you can create your models and you can sell your models in various uh, medical institutions and next opportunity uh, you can have in diagnostic and imaging labs we know there are various big names in diagnostic uh, laboratories like dr lal path lab they usually appoint uh, mdms anatomy in their diagnostic or imaging purpose next you can be an assistant to a neurosurgeon to understand complex neuroanatomy okay next but not the least यू कैन बी ए कॉन्फिग्रेशन एनालिस्ट इन मेडिकल इक्विपमेंट मेकिंग कंपनी जैसे कि दोस्तों हमें पता है बहुत सारी मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर जैसे एबर्ट की बात हम करें तो मेडिकल इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने के लिए उनके सॉफ्टवेयर को फिट करने के लिए आपकी जो एनाटमी की नॉलेज है उसमें हेल्पफुल रहेगी तो दोस्तों ये थे अलग अलग स्कोप या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम डी एम एस एनाटमी सो आई होप यू वी लाइक दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच